बहुत सारे रंग हैं। हैप्पी होली, हैप्पी होली, और होली की बहुत सारी शुभकामनाएं सबके लिए। हैप्पी होली, हैप्पी होली। पूरा शो ये हुई होली की शानदार शुरुआत। रुको भाई, आप कैसे रह जाएंगी? अरे अच्छे से होली हो जाए। बहुत सारी शुभकामनाएं आप सबके लिए। होली के रंग में हमेशा रंगे रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। बिल्कुल, और हम सब की तरफ से भी, पूरी इंडिया टीवी टीम की तरफ से हमारे सभी दर्शकों को हैप्पीएस्ट होली। हैप्पी 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 होली। बस जैसे हम लोगों के चेहरे खिले हुए हैं रंगों से, वैसे आपके आज चेहरे लग रहा सारा कार्यक्रम ऐसे ही। और रंगी बिरंगी होली सबकी बनी रहे। हैप्पी होली। होली के रंग से ऐसे ही आपके चेहरे भी हमेशा दमके। आप जमकर रंग खेलें, गुलाल लगाएं, खूब गुजिया भी खाएं, दही बड़ा मालपुआ खाएं, सबके साथ मिलकर होली का जश्न मनाएं, क्योंकि होली का मतलब ही है सबके साथ मिलकर होली मनाई जाए। बिल्कुल, आपने एकदम ठीक कहा हुसैन। होली का मजा अकेले मनाने में है ही नहीं, इसका मजा तो तब आता है जब सभी दोस्त परिवार मिलकर मस्ती करें। और जो इतना दोस्त क्या, आज तो दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। सभी जो बैर हैं, होली का ये परिवार वो सारे बैरों को दूर कर देता है, सारी दुश्मनियों को दूर कर देता है, सबको एक साथ लाता है। लेकिन मीनाक्षी, होली के इस हुड़दंग के बीच व्यूअर्स को ये भी याद दिलाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है कि आप जमकर गुलाल उड़ाएं, लेकिन मस्ती के साथ साथ अपनी और अपनों की सेहत का भी पूरा ख्याल रखें। क्योंकि देखिए, ना सिर्फ दिल्ली NCR बल्कि पूरे देश में इस वक्त इन्फ्लुएंजा का सब वेरिएंट H3N2 वायरस तेजी से फैल रहा है, जो कि खतरनाक है। इसमें खांसी आती है, उल्टी, गले में खराश, बॉडी पेन, डायरिया के लक्षण वाले जो पेशेंट हैं वो बहुत ज्यादा मिल रहे हैं। इसलिए होली तो खेलिए लेकिन सतर्क होकर। और ये जो रंग आप देख रहे हैं हम लोग को लगा हुआ, ये जो है नेचुरल है, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। ऐसे ही नेचुरल रंगों से आपको होली खेलनी है। वैसे तो कोरोना ने हम सबको ये सब कुछ बखूबी समझा दिया जो आपको प्रिया ने बताया है, इन्फेक्शन से कैसे बचना है, क्योंकि कोरोना की तरह ही इन्फ्लुएंजा भी ड्रॉपलेट्स के जरिए फैलता है। हुसैन, IMA ने तो बकायदा अपने गाइडलाइंस में अच्छे से हाथ धोने, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचने की सलाह दी है। तो होली मनाए जरूर, पर ज्यादा भीड़ में ना जाएं ये कहना थोड़ा मुश्किल है आज के दिन में। भीड़ लेकिन, में तो जाएं जिन बिना होली को, हाँ, नहीं। मीनाक्षी, जिन लोगों को इन्फेक्शन है, जो इस तरह का उन्हें वायरल है, तो वो कोशिश करें कि वो भीड़ में ना जाएं। थोड़ा एहतियात बरतिए, कुल मिलाकर सबका कहने का मतलब ये है। लेकिन योगाभ्यास बिल्कुल नहीं छोड़ना है। पहले आप 8 बजे से 8:40 तक योगाभ्यास कीजिए, उसके बाद जाइएगा होली खेलने के लिए, क्योंकि योग करेंगे तभी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, खाया पिया भी हजम होगा, सेहतमंद रहेंगे और हर त्योहार आप अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे और एक्स्ट्रा गुजिया भी खा पाएंगे। बिल्कुल। अरे बाप रे बाप, आज तो बड़ी थाल है स्वामी जी। होली की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम स्वामी जी, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारे संतों को भी। क्या बात, हैप्पी होली जी। अरे स्वामी जी, आपसे ज्यादा तो हम लोग रंगे हुए हैं। पुष्पों की होली ज्यादा खेल रहे हैं आप। स्वामी जी, अभी आपके चेहरे में रंग नजर नहीं आया, थोड़ा लगना चाहिए। हो गया होली है, अब हो गया, ये हुई होली। थोड़ा ज्यादा हो गया। बुरा ना मानो, होली है। बिल्कुल ऐसी तो होनी चाहिए। आचार्य जी भी पहचान में नहीं आ रहे। क्या बात है, अब हो गया हरा, गुलाबी, लाल, पीला। लीजिए। अब विदेह जी बचे थे वो भी। Yes.
स्वामी जी आप सब लोग इतने अच्छे लग रहे हैं, मैं क्या बताऊं, आप सब लोग जबरदस्त लग रहे हैं। हुसैन आज का दिन इतना खुशियों भरा और इतनी खुशनुमा शुरुआत, हर चेहरा एक सा नजर आता है, कैसा लग रहा है आपको हुसैन इन तस्वीरों में? बहुत उम्दा, बचपन की याद आ रही है और ऐसे में जॉगिंग करने का मजा भी अलग है। वो तो कहिए, हम लोग स्वामी जी को इतने जमाने से जानते हैं, उनके साथ रोजाना शो करते हैं, वरना शायद थोड़ा पहचाना मुश्किल हो जाएगी इसमें से स्वामी जी कौन वाले स्वामी जी, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं आ रही क्योंकि जो गीत वहां बज रहा है उसकी वजह से आपकी आवाज दब जा रही है, तो उसका ऑडियो थोड़ा सा डाउन कीजिए। और सबके लिए, और मुझे ये अंदाजा नहीं था कि ये होलिया हो जाएगा पर ये बहुत अच्छा लग रहा है स्वामी जी, बहुत ही कलरफुल लगा करके आए थे बड़े मन ठन के आए थे करते तो हाँ महाराज, अब देखो हाँ ये सब, तो कुछ नया अवतार दिख रहा है। पूज्य हमारे हरिचेतनंद जी महाराज जी, पूज्य हमारे स्वामी कैलाशानंद जी महाराज जी, जो हमारे आचार्य महामंडलेश्वर हैं, हमारे महा निरंजनी अखाड़े के और हमारे स्वामीनारायण संप्रदाय के हमारे महाराज जी, ये हमारे बेस्ट फ्रेंड है माय डियर स्वामी हरिवल्लभ दास शास्त्री जी। तो आज आज की होली पहले तो योगिंग जोगिंग किया, अभी हमारे ताड़ासन करो। ये हमारे आशीष भैया भी तो हैं। आशीष भैया हमारे वंदे मातरम में हजारों कुष्ठ रोगियों को इन्होंने नव जीवन दिया है। और महाराज 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 महाराज, टीके के लिए जगह बची कहाँ है? बस ऐसे है भाई, एक तो ऐसा ये रंग हमारा ना पूज्य आचार्य श्री ने ये बिना केमिकल वाला बनाया है, इसलिए इतने रंग के बावजूद भी हमारी आंखें सुरक्षित हैं, हमारी सांसें सुरक्षित हैं और जो है आज हम भाई देखो, योग तो हमारा ये तो मूल धर्म है, इसको तो छोड़ना नहीं है महाराज। और तुम आप बैठो विराजो महापुरुषो, प्राणायाम करो महाराज जी, आप इधर विराजो, पीछे बैठ जाते ना, बैठो बैठो, कोई खतरा नहीं है। नहीं नहीं, हाँ थोड़े पीछे हो जाओ, और ज्यादा पीछे हो तो गंगा जी है ही पानी वाली होली हो जाएगी पानी वाली होली हो जाएगी वाकई पानी होली लास्ट में होगी, बाबा जी सहित गोता लगाएंगे। हाँ वो तो अभी बाकी है, तो अभी तो फूल वाली होली हुई है, तो फिर ये सूर्य नमस्कार कभी नहीं छोड़ना। देखो भाई ये तो रोज का कार्यक्रम है, तो अभी आज योग के रंग के साथ हमारे भीतर आरोग्य का रंग, स्वास्थ्य का रंग, ज्ञान का रंग, भक्ति का रंग, प्रेम का रंग, अहिंसा सत्य से ब्रह्मचर्य परिग्रह का, शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर परिधान का रंग, और राजेश जी भी हैरान उन्हें देख के लग रहा था ये क्या हो रहा है मेरे साथ प्रिपेयर्ड नहीं थे तो खैर आज ये अंदाजा हमको भी नहीं था कि इस अंदाज में आज होली मनाई जाएगी। तो ये योग का रंग है, और ये जो सारी सृष्टि में परमात्मा ने जो सुंदर सुंदर रंग भर रखे हैं, वो सारे रंग तभी अच्छे लगते हैं जब हम योग के रंग में, अध्यात्म के रंग में, सनातन के रंग में रंगे हुए हो।
तो हुसैन भाई आपने भी ये रंग सबको चढ़ा दिया है, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, सबके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई। और आज हमारे ये रंग बिरंगे हमारे बच्चे हमको ही समझ में नहीं आ रहे, तो लेकिन ये बेटियां तो कुछ ज्यादा ही मशगूल हो गई। स्वामी जी अब आपकी इजाजत के साथ के रंग में भी रंगना है, एक बार जोरदार अभिनंदन है, रामनवमी तक कितने रंग रंग लो फिर तो एक ही चढ़ा देंगे जी। हुसैन भाई कुछ कह रहे थे बस स्वामी जी आपकी इजाजत के साथ रंगों की बात तो होती रहेगी, लेकिन अब पहला विषय आपकी इजाजत के साथ मैं शामिल करता हूँ। जिस तरह से होली के मौके पर शुरू करो साहब हर किसी के चेहरे पर रंग बिरंगी मुस्कान छाई है, वो हमेशा बनी रहे, जो आज वाली मुस्कान है वो हमेशा बनी रहे, लोग हमेशा खुश रहें, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, इसके लिए योग के साथ साथ और क्या क्या उपाय जो है आजमाने चाहिए, अपने डेली रूटीन को में क्या ऐसे बदलाव किए जाएं जिससे खुशियां और सेहत साथ साथ चलती रहें। और आज एक खास मौका स्वामी जी ये भी है, आज तो योग महिला दिवस भी है, उसके लिए भी शुभकामनाएं। जो प्रकृति के रंग है ना इसमें हम रंगे रहे तो हर दिन फिर होली रहेगा हमारे लिए। जिसके जीवन में कोई समर्थ गुरु होता है, कोई संत होता है, जिसके जीवन में योग का रंग होता है, आयुर्वेद का, प्रकृति का, संस्कृति का रंग होता है, फिर वो कभी बदरंग नहीं होता। तो इसलिए एक तो सुबह उठ करके सूर्य नमस्कार करना है, ये शीर्षासन करना है। जो शीर्षासन और सूर्य नमस्कार करते रहे इतना भी ना बन पाए तो सर्वांगासन कर ले, इतना तो बन ही जाता है, ये तो हो ही जाता है। और बैलेंस हो जाए ऐसे भी बन जाती है बात। तो ये तो करना ही करना है, और जिनसे इतना भी ना हो तो फ्रंट कम से कम इतना सब कर ले। चलो भाई, ए बेटी उल्टी लेटो, तुम तो ऐसी बूट गई बैठ गई जैसे कोई बुत बैठे हो ऐसे। तो अभी तो और रंग खेलने का मन था स्वामी जी आपने। दूसरा रंग है आंवला एलोवेरा का। हाँ, आंवला एलोवेरा के रंग के साथ साथ हमारे आचार्य जी तो सफेद पे रंग ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो हम तो लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल गुलाल। लंबे लंबे श्वास। तो देखो ये योग के साथ साथ सुबह उठ करके ये मैं 5-7 बातें बता रहा हूं, 2 मिनट का ये कार्यक्रम है। आंवला एलोवेरा गिलोय तुलसी नीम हल्दी गोधन अर्क और जिसकी जैसी आवश्यकता है वैसे हमने कषाय क्वाथ बताए हुए हैं। मस्तिष्क के लिए मेधा क्वाथ, हार्ट के लिए हृदयामृत क्वाथ, किडनी के लिए वृक्क दोषर क्वाथ, गोखरू का क्वाथ, लिवर के लिए लिवोग्रिट क्वाथ, सर्वकल्प क्वाथ। ऐसे सुबह उठ करके योगामृत के पान के साथ आयुर्वेद का आयुर्वेदो अमृतानाम आयुर्वेद का भी अमृत का पान कर लिया करें। उसब पान का वर्णन है, उसब पान कर लिया करें तो फिर जिंदगी में जो तमाम लाइफस्टाइल का जो बखेड़ा है वही लाइफस्टाइल डिजीज बीपी शुगर थायराइड अस्थमा आर्थराइटिस जब पुराने हो जाते तो क्रोनिक डिजीज फिर वही इनकेरेबल हो जाते तो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज बन जाते हैं और जेनेटिक एक्सप्रेशन भी रॉन्ग डायरेक्शन में होने लगता है, अलग अलग प्रकार के म्यूटेशन होने लगते हैं हमारे डीएनए के लेवल पर और उससे शरीर के अंदर सप्त धातुओं का, त्रिदोषों का, त्रिगुणों का बैलेंस बिगड़ने लगता, अग्नि का संतुलन बिगड़ने लगता है और उससे रोग हो जाते हैं। और इसको समदोषः समाग्नि से समधातुमलः क्रिय प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनः स्वस्थित्य विधीयते होने के लिए हमें योग के साथ साथ आयुर्वेद और उषभ पान जड़ी बूटियों के पान के साथ सुबह की शुरुआत करनी चाहिए। सात्विक आहार युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाव बोधस्य योग भवति दुखा। जो भुजंगासन भी ना कर सके तो मकरासन करना है, मकारी आसन नहीं करना। वैसे स्वामी जी आज 40 मिनट तक सबको रोकना थोड़ा मुश्किल है, सब अपनी अपनी पिचकारियों के साथ रंग गुलाल के साथ बस तैयार हैं कि बस बाहर
होली के मैदान में उतर जाया जाए। अरे नहीं, हमारे पास भी रंग भी है, गुलाल भी है, पिचकारी भी है। तो हर किसी को सबसे पहले स्वामी जी आपसे ये जानना है, सब रुकेंगे कि होली का रंग जो चेहरे पे लगने वाला है या लग चुका है उसे उतारा कैसे जाए जिससे स्किन को कोई नुकसान ना हो, और अगर रंग अभी नहीं लगा है तो उससे पहले चेहरे पर क्या कुछ लगा लिया जाए जिससे जरूरी है। हाँ, ये जरा पहले समझा दीजिए। पहले रंग लगाने से पहले सीख के चले जाए। एक तो एलोवेरा जेल लगा के निकले होली खेलने से पहले। मैं खुद भी एलोवेरा जेल लगा के आया हूँ, कल वैसा ही वैसा मिलेगा। हमें तो लगा कि शायद आपको मौका ही नहीं मिला क्योंकि रंग दिए गए उससे पहले ही आप ना, मैं बड़ा इस मामले में अलर्ट हूँ, होशियार हूँ, जागरूक हूँ। अब बावला सन्यासी नहीं रह गया हूँ तो इसलिए पहले से एलोवेरा जेल लगा के निकले, फिर वापस आकर के पतंजलि फेस वॉश से चेहरा धोए। हाँ, वो बहुत अच्छा है, उसमें सौंदर्य फेस वॉश भी है, एलोवेरा फेस वॉश भी है। पतंजलि फेस वॉश से चेहरा धोए और केश कांति से बाल धोए। आज तो हमें भी अपने धोने ही पड़ेंगे। केश कांति एडवांस बड़ा जोरदार है, और बालों पर जिन बहुत अत्याचार कर लिया हो किसी ने जो है, तो फिर केश कांति एडवांस लगा लें, और पूरे शरीर की जो चमड़ी का रंग है ना, इसको उतारने के लिए सबसे अच्छा होता है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी में थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा नीम, एलोवेरा का पेस्ट और मिला लें। यदि इतना मिला लेते हैं ना, जैसे पूरे शरीर पर कुछ कुछ तो ऐसे ऊत होते हैं सारे, कुछ तो प्रेम से लगाते हैं और कुछ पूरी दुश्मनी भी आ जाए निकालते हैं रगड़ रगड़ और के कहते हैं बुरा ना माने होली है। जैसे महात्माओं ने कम से कम मेरा रंगों से मालिश कर देते हैं, बुरा माने नीचे तो छोड़ दिया, ऊपर से नीचे तक रगड़ रगड़ के, और उसमें भी केमिकल बहुत होते हैं। तो मुल्तानी मिट्टी, उसमें थोड़ा हल्दी, थोड़ा एलोवेरा, नीम का पेस्ट मिला दिया और उसको लगा दिया, तो जैसे हमारे पूज्य आचार्य जी भी रगड़ रगड़ के लगा रहे छोटे, हमारे आचार्य जी का पतंजलि में सबसे ज्यादा होली खेलने का शौक पूज्य आचार्य जी को ही है, उनको देख आज बड़े प्रसन्न है वो, क्योंकि इतने प्रसन्न वो कभी नहीं होते, उनके साथ साथ दूसरे दो चार भूत प्रेत और भी नजर आ रहे हैं। तो जिन तो स्वामी जी पूरी, जिनका पूरे शरीर में भी पूरी चमड़ी गड़बड़ हो गई हो तो उसका भी उपाय बता दिया है स्वामी जी। अभी अभी आपने केमिकल की बात की कि कई जगहों पर केमिकल वाले रंग भी हो सकते हैं, क्योंकि हर कोई बिल्कुल नेचुरल गुलाल से और फूलों वाली होली तो नहीं खेल रहा होगा। कहीं ऐसी इमरजेंसी अगर आ जाए स्वामी जी कि किसी को रंग लगा और जलन सी होने लगे चेहरे पे या आंखों में या कहीं किसी और बॉडी पार्ट में, तो उस इमरजेंसी के वक्त क्या उपाय किया जाए? हाँ, ये भी आप बड़े समझदार हो गए भाई। हुसैन भाई का एक बार जोरदार ताली बजा दो स्वामी जी, आपके जो साथ हमारे भी ध्यान में नहीं आता वो वो सारे प्रश्न जो है उनके भीतर ऐसे उमड़ने घुमड़ने लगते हैं। तो किसी के शरीर पर जलन होने लगे तो एलोवेरा हमने बताया, और किसी को जो है आंखों में जलन होने लगे तो फिर सोम में तो गुलाब जल, तो ऐसे गुलाब के फूल तो हमने यहाँ पर ये डाले ही सबके ऊपर, लेकिन ये गुलाब जल का मतलब, एक भाई ने गुलाब जल का मतलब क्या समझा, गुलाब के फूल लिए, कूटा, निचोड़ा और आंख में डाल दिया, तो ये गुलाब जल नहीं, वो अब जो है वो गुलाब जल जो है पतंजलि का आता है वो ले लें, बाकी बाजार में भी मिलते हैं, जो भी अच्छा मिले वो ले ले, कोई हम पतंजलि का प्रचार करने के लिए थोड़ी बैठे यहाँ पर। ओहो हो, हठयोगी जी भी पधारे हैं, ए महाराज, और डंडा लेके आए महाराज, विराजो। तो ये महाराज का डंडा और झंडा साथ ही साथ चलता है, और ये देखो इधर, ये दूसरे महाराज जी का ये से चलता है, ये डंडा तो बहुत ही जोरदार है, और महाराज ये तो चुराना पड़ेगा, चांदी वाला है। जय महाराज। हम ये पूछना भी चाह रहे थे स्वामी जी, ये जो पीछे चांदी का एक ये डंडा लेकर खड़े हैं, ये क्या है? बस स्वामी जी,
तो महाराज ये महाराज ये पूछ रहे हैं, ये अब हमको भी बता ही दो, आचार्य जी ने तो हमारे बड़े बड़े ये हठयोगी महाराज जी भी बहुत बड़े योगी हैं हरिद्वार के, इनका भी इंडिया टीवी पर पहली बार अवतरण हो रहा है, बहुत बहुत अभिनंदन हमारे इस योग के शो में। और महाराज जी बोल रहे हैं ये झंडे का और डंडे का मतलब क्या होता है, वो बोल रहे हैं कि पूज्य स्वामी कैलाशन जी महाराज तो खुद ही बड़े मजबूत हैं, इनको डंडे की क्या जरूरत है। इसका कोई परंपरा क्या है, मतलब हंसी मजाक की बात अलग है। सबसे पहले तो पूज्य स्वामी जी के लिए आज खूब जोरदार ताली सब हम लोग बजाएं, और पूज्य स्वामी जी के कारण आज यह आनंद नीलधारा गंगा तट पर हम सब को प्राप्त हो रहा है। हाँ, गंगा जी का आनंद तो ये हमने महाराज 30 साल में पहली बार ये 4:30 बजे हमने अखाड़ा जोड़ दिया था, यहाँ योग अखाड़ा। तो मैं कल फोन उठा नहीं पाया। इस पावन होली के शुभ अवसर पर पूज्य स्वामी जी के कारण आज बहुत सारे साधु संत हमारे पूज्य सभी ये तो पतंजलि के सन्यासी हमारी पूज्य सभी बहने और सभी आज देश के बहुत सारे धर्मानुरागी आज इस उत्सव को देख रहे हैं, क्योंकि यह गंगा का पावन तट है, नीलधारा का पावन तट है। और पूज्य स्वामी जी महाराज यहाँ इसको वो ड्रोन कैमरा भी लगा रखा है, पता नहीं किधर गया वो पूज्य स्वामी जी, क्योंकि भगवान शिव इसी घाट पर आकर के भगवान शिव ने स्नान किया था। अच्छा, इसलिए इसका नाम नीलधारा पड़ा। ओहो, भगवान शिव ने जब हलाहल विष पान किया, कंठाभरो धन विधो स्मरणम कुतस्ते, भगवान शिव ने जब हलाहल विष पान किया तो पूज्य स्वामी जी इसी घाट पर भगवान शिव आकर के स्नान करते हैं। मतलब ये हुआ जैसे कार्यक्रम पूरा होगा तो आपको भी यही गंगा जी में डुबकी जरूर लगवाएंगे। सब आपके साथ है, सब आपके साथ है। जो आप बोलते हैं स्वामी जी, उस समय ये हमको दे देना। अरे हम रोज माला ही माला पहनते थे, माल तो उधर ही लेकर के बैठे हुए थे। अच्छा सुनो, ये तो होली का अच्छा आनंद आया, उतार लिए। और इसका डंडे का और मतलब बता दो जी। ये अगर मैं डंडा के बारे में बता दिया, डंडा भी ले लेंगे आप। नहीं महाराज जरूर बताओ, झंडा ऊंचा रहे हमारा विश्व विजयी तंगा प्यारो, तो धर्म का, अध्यात्म का, सत्य का झंडा बुलंद रहे। डंडे का मतलब क्या, डंडे न शास्त्री प्रजा, वो तो एक नीति शास्त्र हो गया, इसका थोड़ा मतलब बताओ। बहुत अच्छा, क्योंकि आज जो आनंद है वो कुछ और है। नहीं, फिर भी धीरे थोड़ा जल्दी बताओ, ये न्यूज चैनल है ना। छोड़ेंगे तो कुछ स्वामी जी का बहुत अच्छा संदेश है और प्रश्न भी है हम सबों के लिए, किस डंडे की क्या आवश्यकता हाँ, है। और डंडा स्टूडियो से पूछा है ये मीनाक्षी ज्योत्सना हुसैन भाई ना, उधर से प्रश्न आया है। तो ये जो डंडा है, ये जो दंड है, इसको वैसे तो हम त्रिदंड भी कहते हैं, और हम इसे एक मापदंड भी कहते हैं, जो हमारी जो तीन प्रकार की जो सन्यास परंपरा में हमारी जो कामना है, उन कामनाओं की समाप्ति के लिए इस दंड को धारण किया जाता है। और दंड जो है वो परंपरागत है, दंड अनादिकाल की परंपरा है, आदि जगत अनुशासन का प्रतीक है। अनुशासन पुत्र से मुक्त होकर भूषण स्तंभ स्वस्तंभ माया का प्रतीक है। पूज्य स्वामी जी ने कहा ये हमारी जो है वो दंड के प्रतीक है, और ये तीनों प्रकार के दंडों का उन्मूलन करता है, इसलिए इस दंड को धारण करने की विधि और परंपरा सन्यास परंपरा में है। पूज्य स्वामी जी, क्योंकि आज जिस आनंद में स्वामी जी लग रहे हैं, उस आनंद में किसी प्रकार की प्रवचन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये माला की आवश्यकता जरूर है। ए महाराज, इस माला को मैंने तो गौर से तो अभी देखा, ऊपर तो सोना है, नीचे हीरा है इसमें। पकड़े गए महाराज। और इसके बीच में क्या महाराज, ये नीलम आज तो सोना चांदी हीरा आज तक तो हमने सब कुछ मिल गया। तो आप तो करो दंड धारण, हम तो माला धारण करके ही खुश है। जी हम आगे चलते स्वामी जी, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अभी घुटाई का काम भी चल रहा बहुत सारी जगहों पर जी। आपने जो ठंडई बनाना सिखाया है हम सबको। अरे हाँ, भांग की घुटाई भी आज। हाँ, आज तो घुटाई भी चल रही है, और वो घुटाई वाला जब सेवन किया जाता है तो बहुत सारे लोगों का नशे ही नहीं उतरता, तो जरा उसके बारे में समझा दें।
और उसके ऊपर दे मीठे पर मीठा। महाराज जो इक्के दो दो के तीन दिखते हैं, करके गोला खा करके उसकी ठंडाई पी करके और ऊपर से जो है माल खूब खाते हैं फैलो। तो वैसे भांग और तमाम तरह का ये जो माल मसाला खाना है ये होली की परंपरा नहीं, कोई भी नशा तो होली की परंपरा नहीं। मारा तो सभी महात्मा कह रहे हैं कि ये जो नशा है, देखो रंग है, फूल है, प्रकृति है, और ये तो सब ठीक है, गंगा स्नान है, तीर्थों में जाना है, और ज्ञान के, भक्ति के, सत्संग के रंग में, सद्भावनाओं के रंग में रंगना, ये तो ठीक है, लेकिन ये रंग में भंग डाल देता है जो नशा है ना। तो इसलिए नशा फिर चढ़ भी जाए तो उतारे कैसे? आचार्य जी धरा हो ना, आपकी जरूरत पड़ रही है, किसी को भांग का नशा चढ़ जाए तो उतरे कैसे? ये हुसैन भाई और मीनाक्षी जो उत्तरा जी पूछ रहे कि भांग का नशा कैसे उतारना है? भांग मांगे भूगड़ा, हाँ, गांजा मांगे घी, भांग मांगे भूंगड़ा, गांजा मांगे घी, दारू मांगे जूता, दारू मांगे जूता, मन पड़े तो पी, मन करे तो पी, ये जोरदार उपाय बताया। तो ये तो ये अच्छी कहावत है। एक छोटी सी बात, ये मामला जोरदार वाला। आचार्य जी से स्वामी जी लगे हाथ ये भी पूछ ले कि जो लोग ये भांग पीने के बाद उसके ऊपर मीठे पे मीठा खाते हैं उनका फिर क्या हश्र होता है? करे ही ना, नशा करे ना, करे ना, चने क्यों खाने पड़े? तो ये कहते हैं आचार्य जी, भांग खाने के बाद लोग मीठा क्यों खाते हैं? उससे बढ़ता है उससे। अच्छा, मीठा खाने से भांग और ज्यादा चढ़ती है, हे मेरे राम, और उतरती कैसे? जूते से। पुराना मानव होली है। अच्छा स्वामी जी, आज वाले कोई भी उपायों को आजमाया ना जाए। ये संवैधानिक चेतावनी लगा दी गई है, डिस्क्लेमर। एक अत्याचार और हो रहा है स्वामी जी। नशा सब नाश कर देगा, फिरोगे दाने दाने को, इसलिए नशा ना करे। होली के दिन संकल्प ले, होली के दिन अग्नि भस्म लगाएं। वेद में कहा अग्नि रीति भस्म, वायु रीति भस्म, व्योम रीति भस्म, इसका विधान है। नशे का कहीं भी, किसी भी, न शास्त्र में, न पुराण में कहीं प्रसंग नहीं है। इसलिए इस देश को हमको नशे से मुक्त करना, रोग मुक्त और नशा मुक्त करना है, महाराज जी कह रहे हैं। और ये एक बहुत अहम बात स्वामी जी आज के दिन की, ये भी है, सब दिव्यताओं से युक्त रहो। आज वर्ल्ड नो स्मोकिंग डे भी है, जिस बात का जिक्र आप सब कर रहे हैं कि हर तरह के नशे से बचने की जरूरत। नो स्मोकिंग डे है आज, सब नशा मुक्ति का संकल्प ले भाई, बीड़ी, सिगरेट, शराब, नशा। वुमेन डे भी है, है? विमेन्स डे भी है, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है। आज मेरा जो बेटियों, प्रिया का दिन है, अभिनंदन है भाई, ये हमारे भारत की बेटियां है, परफेक्ट, ये भारत माता की, प्रकृति माता की सच्ची आराधक है, उपासक है। वुमेन्स डे भी है, तो एक बार हुसैन भाई आप भी जो है शो के बाद सभी देवियों के चरण छू के आशीर्वाद ले लेना, मीनाक्षी जी सभी देवियों को मेरा प्रणाम। अरे नहीं, चरण छू कर लेना है। हवा हवाई आशीर्वाद नहीं, मुझे ही बोल देना, उसी से छूना हो जाएगा। अच्छा स्वामी जी, आज प्रवचन ज्यादा हो रहा है हम लोग की तरफ से भी, अगला विषय ले ले। स्वामी जी मैं कह रही थी कि हमने बहुत सारे विषयों पर बात की, लेकिन पेट का ख्याल रखना भी बड़ा जरूरी है, और खासकर त्योहारों के मौके पर, क्योंकि होली का त्योहार पेट पर खूब अत्याचार होता है, जमकर लोग मीठा, गुजिया, मालपुआ बहुत खा लेते हैं, तो पेट का ख्याल रखना जरूरी है। तो इसके लिए कौन कौन से योगा माना महाराज, इधर आचार्य जी धराओ, अभी मैं योग करूंगा तो बाधा ना आए और माल सुरक्षित जगह पहुंच जाए। हंसने से पेट अच्छा रहता है, अभी पाचन तंत्र का सवाल पूछा गया स्टूडियो से। तो योग मुद्रासन करें और बाल सुरक्षित जगह ठिकाने लगा के रखे, तो ये, और जो माल पेट में ठिकाने लगाया था उससे कुछ गड़बड़ हो जाए तो योग मुद्रासन कर ले, और ज्यादा गड़बड़ हो जाए तो ये पवन मुक्तासन कर ले, और बैठे बैठे महात्माओं कपाल भाती तो ठोको ये, हाँ, उससे ये बढ़िया ढंग से जो है पाचन अच्छा हो जाता है। और जो पाचन के लिए आसन करना चाहे तो ये पवन मुक्तासन और ये उत्तान पादासन, ये बहुत अच्छा है। पूज्य आचार्य जी ने लिवोग्रिड बनाई बड़ी खोज करके, और उससे तो
पाचन की समस्या, गैस, कब्ज, एसिडिटी, पैस, फिसर, फिशिला, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, आईबीएस, ये तमाम तरह का उपद्रव होता है। फिर ज्यादा लंबे समय तक तले हुए खाओ तो फैटी लीवर, फिर लीवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, किसी का अल्कोहल से, किसी का नॉन अल्कोहल, उसके लिए एक तो लिवोग्रिट, फिर पुनर्नवारिश, कुमारियासा, और ये सारे द्राक्ष सब पी लिया तो फिर तो पाचन तंत्र भी अच्छा, मस्तिष्क तंत्र भी अच्छा, नाड़ी तंत्र भी अच्छा, नींद बहुत अच्छी आती है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन कर ले, और ही ज्यादा संतुलन बनाना हो तो ऐसे कर ले पूरा, और किसी की बॉडी थोड़ी फ्लेक्सिबल हो ज्योत्सना मीनाक्षी जी की तरह तो फिर ऐसे भी कर सकते हैं। ये पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन, ये तो अच्छा हुआ मेरे अंगूठों पर नहीं लगाया, नहीं तो नाक में ही जाता सीधा ये रंग। तो ये पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छे उपाय, सुबह उठ करके अनार खा ले, सुबह उठ करके सेव खा ले, जीरा धनिया मेथी सोप अजवाइन का पानी पी ले, सुबह उठ करके आंवला एलोवेरा पी ले पाचन के लिए। इसलिए पाचन तो ठीक रखना बहुत जरूरी, पाचन तंत्र से पूरा प्रतिरक्षा तंत्र, पूरा जीवन तंत्र ही अच्छा हो जाता है। पेट ठीक तो कहते ना सब कुछ ठीक। और ये जो सर्वांगासन हलासन है ना, ये इसलिए बताया था, ये पेट के लिए भी बहुत अच्छा है। हलासन जैसे हल से जुताई करते हैं खेत की और फिर सारी खरपतवार दूर हो जाती है, तो ये पेट की सारी खरपतवार को खत्म करने के लिए, और जिनमें थोड़ा सामर्थ्य हो तो देखो ये ऐसे पद्मासन में बैठ के और ये लगा लिया ऐसे, तो ये तो पाचन के लिए बहुत ही जोरदार है। फिर इससे तो लक्कड़ पत्थर हजम, पूरा पेट, पड़ोसी की थाली पर खतरा नहीं आना चाहिए, लेकिन ये कर ले। हाँ बस इतना ही पाचन बढ़ाना, पड़ोसी का मत खाना हुसैन भाई करे, अपना अपने हिस्से का ही खा लेना, तो इससे पाचन एकदम ठीक हो जाएगा। वैसे भी होली पर गुजिया बहुत खाते हैं, घी और तेल के बने हुए अलग अलग मिष्ठान मेवे, ओए लड्डू भी आ गए रे उधर, लड्डू आया हाँ। ए महाराज ने देखो माला भी दे दी, माल भी आ गया, क्या कमाल है। अरे महाराज हमको तो फिर रोज यही आके अखाड़े जमाना पड़ेगा। ब्रज में फूलों की भी होली होती है और लड्डू की भी होली। अच्छा ब्रज में लड्डू की भी होली होती है, लड्डू की भी और लच्छी की भी। अभी इसका भोग तो बाद में लगाएंगे भाई, इधर 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 ला करके हमारा पहले तो ये जी ललचा रहे हैं। चलो ठीक है, बहुत आशीर्वाद, जाओ बेटा। अच्छा स्वामी जी देखिए, आज रंगों की खुमारी ऐसी है कि वर्ल्ड नो स्मोकिंग डे पर हम आज ज़्यादा बात नहीं कर पा रहे हैं, कल हम उस पर योगाभ्यास भी करेंगे और लोगों को स्मोकिंग खतरे से बचाएंगे। लेकिन चूंकि आज विमेंस डे भी है तो एक बड़ा खूबसूरत सा शेर है, तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। महिलाओं को क्यों डेडिकेटेड आज का ये दिन, तो महिलाओं को अपनी जो हमारी स्टूडियो की देवियां हैं उनको मैं पहले ही प्रणाम कर चुका हूं। अच्छा स्वामी जी, अब जरा प्राणायाम के क्या क्या फायदे हैं और एक सेशन प्राणायाम का करवा दीजिए, फिर उसके बाद हम सवाल शामिल करेंगे। प्राणायाम का सेशन बहुत जरूरी है। आचार्य जी ने लड्डू इधर से उठा के उधर रख दिए कि कहीं बाबा जी करते करते गप्पा गप ना कर दे, तो बड़ा ध्यान रखते आचार्य जी। तो महाराज 40 लड्डू खाए हुए हमने, किलो उठाए मैंने। अच्छा 40 किलो आचार्य जी ने उठाए, हमको आज सुनाई नहीं दे रहा। ऊपर से तो वो कान में एयर जो है बग लगा दिया, और ईयर बग के साथ ऊपर से आपने गुलाल लगा दिया, तो पूरा पैक कर रखा हमारा कान, तो हमको कुछ ना सुनाई दे तो कोई दिक्कत नहीं मानना। देखो एक तो भस्त्रिका प्राणायाम करना, एक बार ऐसे ये गुलाल और कोई रंग अंदर भी चला गया होगा फेफड़ों में तो फुंकार के साथ बाहर निकल जाएगा। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार कर लेना भस्त्री का, तो फेफड़ों में नाक में इधर उधर से कहीं गया हो अंदर तो ये भस्त्री का। फिर दूसरा है कपाल भाति, ये तो मूलाधार से सस्रार तक देह को दिवालय शिवालय बना देता, अष्टाचक्र नव द्वारा देवानाम पुरायुध्या तस्याम हृदय कोशा स्वर्गो ज्योति शावता। ये कपाल भाती जरूर करे, मूलाधार से सस्रार तक अपनी शक्तियों का ऊर्ध्व आरोहण करे, शिवत्व को प्राप्त करे। शिव ने अपनी शक्तियों का आरोहण किया और
जब पूरे हम ज्ञान से, शक्ति से, ऊर्जा से अप्रावित हो जाते हैं, तो वो हमारे भीतर से ही ज्ञान की गंगा, भक्ति की गंगा, धर्म संस्कृति की गंगा प्रवाहमान होती है। तो ये सारी सृष्टि ही शिव रूप है, हिमालय उसकी जटाएं हैं, और वहीं से गंगा निकलती है। तो हमारे भीतर से भी ज्ञान की गंगा, भक्ति की गंगा, सद्गुणों की गंगा प्रस्फुटित होती है। जब मूलाधार से ससरार तक अंतः चक्र जागृत हो जाते हैं, देह देवालय शिवालय बन जाता है। यही काशी, मथुरा, हरिद्वार, सब कुछ इसी में तो है सारा कुछ। कपाल भाती ऐसे, फिर बाह्य प्राणायाम, और बाह्य प्राणायाम तीन बंद के साथ, और से फिर अनुलोम विलोम। महाराज अनुलोम विलोम आप करो, हमारा एक भजन गाने का मन कर रहा है। चलो बच्चों गाओ। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, ओ अमृत है गुरु नाम की धारा, अमृत है हरि नाम, इसे छोड़े विषय विषय जीना क्या। हरि नाम हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हो तीरथ है गुरु चरण हमारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीरथ है गुरु चरण हमारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम ना आए फिर, काशी और मदीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। ओ अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम हमारे। और भी बहुत सारे महापुरुष साधु संत विराज गए, एक बार सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। आज तो आनंद ही आनंद है, हरी जम गया स्वामी जी। तो अनुलोम विलोम भ्रामरी उसकी ये कर लिया तो फिर कहाँ कोई रोग शोक दुख दारिद्र जीवन में शेष रह जाएगा। हुसैन भाई बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, देखिए आज बड़ी माफी के साथ उन लोगों से जिनके हम सवाल आज शामिल नहीं कर पा रहे हैं कल, आज क्योंकि रंगों की खुमारी इतनी ज्यादा है कि वक्त का पता ही नहीं चला। स्वामी जी होली उत्सव के बीच योग प्राणायाम के बाद अब शो के आखिरी पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं, गंगा स्नान ही बाकी बचा है, तो आप गंगा में स्नान कीजिए, और मैं तब तक कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बताता हूँ कि कल क्या खास होने वाला है। होली के बाद बढ़ी पाचन की प्रॉब्लम, किस उपाय से दूर होगी सेहत की टेंशन, बदलते मौसम, चढ़ती गर्मी का असर, किस योग से इम्यूनिटी होगी स्ट्रांग, स्वामी रामदेव की कंप्लीट हेल्थ क्लास, होली के साइड इफेक्ट्स का यौगिक उपचार, सुबह 7:56 से पहले इंडिया टीवी लगा लीजिएगा। तो लड्डू खिला रहे महाराज, पानी वाली होली शुरू होगी, अब पानी वाली होली शुरू। ए महाराज बिराजो बिराजो महाराज, लड्डू बहुत जोरदार बनायो है भाई महाराज। बाकी लोग फूके फूके अच्छे नहीं लग रहे हैं। अब सारे रंग उतर चुके हैं। चलिए स्वामी जी आप स्नान कीजिए और उसके बाद फिर लड्डू का आनंद भी लीजिए। देखिए उससे एक छोटी सी बात कह के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। ऐसी ऊर्जा,
ऐसा बचपन हमेशा अपने दिलों में दिमाग में जिंदा रखना चाहिए। त्योहार के लिए भी ये बहुत जरूरी है, परिवार के लिए भी और देश के लिए भी। बिल्कुल, एक बार फिर से स्वामी जी होली की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आपसे इजाजत लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम प्रणाम स्वामी जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।